लीजिए दोस्तों, एक बार फिर से प्रस्तुत है आपकी सेवा में करोंद रेल ओवरब्रिज का लेटेस्ट अपडेट। और इस बार हम शुरू कर रहे हैं डीआईजी बंगला छोर से और हम जा रहे हैं उत्तर दिशा में करोंद चौराहे की तरफ। तो यहाँ पर देखिए रैंप का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और यहाँ से हम ऊपर चढ़ेंगे और रेलवे लाइन को क्रॉस करेंगे और करोंद चौराहे की ओर बढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं और भोपाल के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में ऐसे अपडेट में रेगुलरली हर महीने लाता रहता हूँ और जब तक कोई भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं लगातार उसके बारे में हर महीने ऐसे अपडेट्स लाता रहता हूँ। और इसलिए यदि आप इस चैनल पर नए हैं और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। क्योंकि यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और चैनल के साथ बने रहेंगे तो भोपाल में चारों तरफ हर तरह के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो रहे हैं उनकी जानकारी आपको तुरंत मिलती रहेगी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और इस रेल ओवरब्रिज पे नज़र डालते हैं। ये 2 लेन का रेल ओवरब्रिज बना है, आइए देखते हैं। इसमें अब बहुत थोड़ा काम बाकी रह गया है, करीब करीब सारा काम पूरा हो गया है। इधर रैंप बनना है और आगे हम देखेंगे कि कुछ एक जो पिलर था उस पर थोड़ा काम बाकी है। तो उसका दृश्य यहाँ ऊपर से और नीचे से भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। ये हम पूर्वी दिशा की ओर देख रहे हैं, ये आरिफ नगर का रेल ओवरब्रिज है। भोपाल स्टेशन की तरफ ये पटरियां जा रही हैं। और ये पश्चिमी दिशा है और हम देख सकते हैं कि महू से, इंदौर से और संत हिरदाराम नगर से होते हुए ये प्रयागराज एक्सप्रेस आ रही है या निशातपुर स्टेशन की तरफ बढ़ रही है।
दोस्तों यहाँ हम देख सकते हैं कि थोड़ा काम यहाँ पर बाकी है और काम यहाँ पर जारी है, और यहाँ क्या काम चल रहा है उसको मैं नीचे लेकर भी आपको दिखाऊंगा, तो आप वीडियो के साथ बने रहें। बाकी तो आप देख सकते हैं कि सारा काम इस रेल ओवरब्रिज पर पूरा हो गया है, स्ट्रीट लाइट्स के खंभे भी लग गए हैं। तो अभी मैं आपको नीचे भी ले जाऊंगा, वहां से भी दिखाऊंगा कि क्या काम चल रहा है। और यहां पर एक और लेयर कंक्रीट की डाली जा रही है और उस पर तरी करी जा रही है बोरियां डालकर, पानी छिड़क कर। तो आप देख सकते हैं, और ये कुछ दृश्य है कृषि उपज मंडी तरफ का, पूरब दिशा की ओर का। तो यहाँ तो काम करीब करीब पूरा हो गया है, और चलिए मैं अब आपको नीचे ले चलता हूँ और जो थोड़ा काम बाकी था उसको भी मैं दिखाता हूँ। तो आइए हम नीचे आ गए हैं और आप देखेंगे कि केवल एक पिलर पे थोड़ा काम बाकी है और आशा है कि वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, और नीचे ज़रूर कमेंट करें और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर दें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।